दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, और आपको मैं 1 जनवरी ये वीडियो डालूंगा। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हॉनर V10 के बारे में, क्योंकि अमेजोन पे इसके टीजर हो चुके हैं शुरू, और कुछ दिनों बाद ये सेल्स में भी जाने लगेगा। दोस्तों अभी इसकी फाइनल डेट नहीं पता चली, फाइनल प्राइसिंग भी अभी इसकी नहीं क्लियर है। तो दोस्तों जैसे मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपडेट्स ज़रूर मिल जाएंगे। और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनर V10 जो एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है, एक बजट मिड रेंज के आसपास होने वाला है, 20-30 के बीच में ऐसा मेरा मानना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस हॉनर V10 के स्पेसिफिकेशन, ओवरव्यू, डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। बस दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हॉनर V10 के मेन स्पेसिफिकेशन शुरू करते हैं, जो कि आता है एक प्रोसेसर से। तो दोस्तों जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर है किरिन का 970, जिसमें 8 कोर CPU है, और जो 4-4 में 2 सेट में डिवाइड किया गया, यानी जो पहली 4 कोर है वो थोड़ी पावरफुल कोर है, जो रन करते 2.40 GHz पे है। यहाँ पर कॉर्टेक्स A73 के पावरफुल कोर्स, और जो बाकी की 4 कोर है वो थोड़ी पावर एफिशिएंट वाली कोर है, पावर बचाने वाली और पावर सेविंग वाली कोर। 4 कोर है, रन करती है कॉर्टेक्स A53 में, और यहाँ पर जो आपको क्लॉक स्पीड मिल जाते हैं वो यहाँ पर है 1.8 GHz की। तो प्रोसेसर यहाँ पर अच्छा है, और जो इसके ये बना है 16 नैनोमीटर की पावर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर आपको बैटरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस की भी आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉर्टेक्स A73 और A53 यहाँ पर आपका साथ देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको GPU मिल जाएगा इसके साथ, वो है अपने आर्म के तरफ से मालिका G72 का MP12 का ग्राफिक कार्ड एडाप्टर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो CPU कॉम्बिनेशन है वो पता था, क्योंकि हॉनर का फ़ोन है तो वो अपना किरिन प्रोसेसर यूज़ करेंगे, वो स्नैपड्रैगन तो चूज़ करने ही नहीं वाले, क्योंकि उनको अपने प्रोसेसर लगाने हैं सैमसंग की तरह। तो बस आपको हमेशा जब भी हॉनर के फ़ोन आने वाले तो आप समझ जाओ कोई ना कोई तो किरिन इसमें लगा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है एक अच्छी खासी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बैटरी मिल जाती है 3750 mAh की, जो आपका आराम से 1.5 दिन साथ दे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर वो है 16 नैनोमीटर का, और 16 नैनोमीटर आपका साथ देगा बैटरी का, और बैटरी साथ देगी आपका पूरा दिन से भी ज़्यादा शायद अगर आप करें नॉर्मल यूज़। तो दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको जो रैम मिल जाती है वो यहाँ पर बहुत भर के मिल जाती है, यानी 6 GB की रैम मिल जाती है। जैसे मैं कह चुका हूँ कि ये मिड रेंज फ़ोन होने वाला है, यानी शायद 25-30 या 25, क्योंकि मेरे को अभी तक फाइनल प्राइसिंग नहीं पता चली, तो शायद कुछ भी उसकी प्राइसिंग हो सकती है। तो दोस्तों अभी इसको रखो थोड़ा साइड में, और यहाँ पर जो रैम मिल जाती है वो है 6 GB की LPDDR4 रैम, डुअल चैनल मेमोरी है। तो यहाँ पर चैनल का छोड़ो दोस्तों, पर है यहाँ पर DDR4 की रैम, आपको कुछ अच्छी खासी क्लॉक स्पीड मिल जाएगी 1.8 GHz या 2 GHz की रैम की। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर स्टोरेज की, तो स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिल जाती है यहाँ पर 128 GB स्टोरेज, जिसमें आपको रफली कुछ मिल जाएगा 128 है तो 110 मिल जाएगा, या 115 मिल जाएगा, या 105 इसी के आसपास आपको मिल जाएगा रफली, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर कुछ मेमोरी ले लेता है, इसलिए आपको जो फाइनल स्पेस मिलते हैं वो कम होते हैं। कंपनी आपको बता दे कि आपको स्पेस कितनी मिल रही है, 128 GB, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड रहता है, तो आपको 110 GB की एक फ्री स्टोरेज आराम से रफली देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपने ढेर सारे अपनी फेवरेट चीज़ें डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर बैटरी के मामले में, एक यहाँ पर आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाएगा एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और जो यहाँ पर चार्जर आपको मिलेगा इस फ़ोन के साथ वो होगा 9V 2A का। तो यानी आपको बैटरी भी यहाँ पर एकदम 3750 mAh की, प्रोसेसर भी 16 नैनोमीटर का आपको मिल जाता है, और यहाँ पर जो चार्जर है वो भी यहाँ पर आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैमरा के, क्योंकि हॉनर कैमरा के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है पीछे, यानी रियर पैनल में जो डुअल कैमरा सेटअप है वो है एक 16 और 20 MP का है, जिसका एपर्चर है F1.8 का। तो यहाँ पर लो एपर्चर है, यानी
जो कैमरे का लेंस है वो वाइड बहुत ओपन होएगा, तो उससे जो लाइट आएगी वो यहाँ पर ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पर आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी कि अपर्चर लो है f1.8 का यानी हाई है। तो आपको अगर आपको जानना है अपर्चर के बारे में तो यहाँ पर आपको कार्ड्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एकदम डिटेल में अपर्चर समझाया, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं अपर्चर क्या है, कैसा कितना होना चाहिए उसका, जो भी उल्टा सीधा होता है वो सब। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है EMUI 8.0 जो बेस्ड है Android 8.1 ओरियो पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओरियो आपको मिल जाता है इस फोन में, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। अभी शायद अगर 1 महीने बाद आपको ये फोन अगर सेल्स में भी जाता है तो भी आपको ओरियो मिल जाता है सीधा, आप बॉक्स खोलेंगे ऐसा और आपको मिल जाएगा EMUI 8 एकदम एंड्रॉयड ओरियो के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आपको कुछ अलग ही महसूस होगा, हालांकि स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, तो आपको वही EMUI के कुछ कस्टम स्किन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप EMUI के फैन है तो आपको ये जरूर पसंद आएगा कि आपको नुगट नहीं मिलता, ओरियो मिल रहा है एकदम लेटेस्ट ओरियो। अभी किसी के पास इतना है नहीं लेकिन आपको मिल जा रहा है अगर आप हॉनर के फैन है और ये फोन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो जो फ्रंट कैमरा है वो है यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर अच्छा है कि कम से कम 13 मेगापिक्सल है क्वालिटी, यहाँ पर देखो कैसी होती है, शायद अच्छी होगी क्योंकि हॉनर का कैमरा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक अपने मन का यहाँ पर आपको एक भरोसा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेन, अभी मैं यहाँ पर एंड में बताने वाला हूँ जो डिस्प्ले है, दोस्तों आपको पता है क्या चल रहा है यहाँ पर 18:9 का डिस्प्ले। तो दोस्तों ये जो 18:9 का डिस्प्ले रेशियो आजकल एकदम नया एक मॉडर्न फील देता है आपके फ़ोन को, तो ये फ़ोन भी 18:9 के रेशियो वाला यानी 18:9 जो 16:9 था उसको थोड़ा सा खींच के 18 कर दिया है और वो 9:9 ही रहने वाला है, लेकिन जो यहाँ पर लेंथ हाइट बढ़ा दी स्क्रीन की और 18:9 कर दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 18:9 का 5.99 इंचज का 1080p x 2160p का फुल HD+ फुल व्यू जो भी बोलते हैं उसको, फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी HD से हल्का सा बड़ा रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो अगर हम सेंसर सपोर्ट की बात करें तो आपको जो सेंसर्स मिल जाते हैं वो यहाँ पर, एक आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है वो यहाँ पर फ्रंट में है, बैक से हटा दिया गया एकदम फ्रंट में, आप ऐसे करके अपने फ़ोन को जल्दी खोल सकते हैं। आपको फेस अनलॉक का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है, तो यानी आप ऐसे अपने फ़ोन को ऐसे ऐसे करो और खुल गया फ़ोन, तो ऐसा यहाँ पर कुछ कमाल के फीचर्स होने वाले फेस अनलॉक जैसे भी। और दोस्तों यहाँ पर आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी आप NFC अपने फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं, NFC टैग्स यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपने अपने फ़ोन को NFC एक टैग आते उसके ऊपर रखा तो वो साइलेंट मोड में जा सकते हैं, वाईफाई ऑन हो सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑन हो सकते हैं, या आप कुछ उस टैग्स में डेटा स्टोर कर सकते हो, तो NFC का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है और कुछ एम्बियंट लाइट डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है, आपको सेंसर्स यहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ पर अच्छे खासे। जायरोस्कोप सेंसर्स का तो नहीं है, ऑफिशियली जायरोस्कोप सेंसर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बाकी जो सेंसर है वो आप सभी को इसमें देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो पूरा ओवरऑल पैकेज है वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये फ़ोन किस प्राइसिंग पर लॉन्च होगा। मेरे ख्याल से 25 के आसपास होना चाहिए, शायद 25 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि क्रिन का 970 है यहाँ पर और आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो ये 25 के आसपास ही हो सकता है। आपको स्मार्ट चार्जिंग का, फास्ट चार्जिंग का फीचर मिल जाता है, स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट और भी यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो यहाँ पर पैकेज ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जायरोस्कोप नहीं है तो अब देखो उसका क्या होता है। आपको डिजिटल कंपास, एम्बिएंट लाइट डिस्प्ले वो सब अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक, अगर आपको दोनों सिम में 4G चाहिए तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो फ़ोन है वो ड्यूअल सिम वो LTE सपोर्ट करता है, यानी आपके दोनों सिम्स रहेंगे 4G कनेक्टिविटी पे, यानी अगर आप जियो और वोडाफोन यूज़ करते हो तो दोनों ही आपको 4G सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वोडाफोन डाउनग्रेड हो जाएगा 3G पे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों कलर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर दो कलर देखने को मिल जाती है, पहला है एक नेवी ब्लू और दूसरा है मिडनाइट ब्लैक का। और दोस्तों यहाँ पर आपको USB मिल जाता है 2.0 का और यहाँ पर USB OTG भी सपोर्टेड है। तो बस दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आपको जो भी प्राइसिंग है, अवेलेबिलिटी के डेट्स हैं, सेल की डेट है, वो आपको जैसे मुझे पता चलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी हर जगह मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे मेरे कुछ ट्विटर के लिंक, अगर आप चाहें तो
मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं आपको अपकमिंग वीडियो और आपके कोई जो भी सवाल है आप ट्वीट करके मुझे पूछ सकते हो, आपके उसका जवाब गारंटीड पक्का मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये थे कुछ हॉनर व्यू 10 के मज़ेदार स्पेसिफिकेशंस ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये फ़ोन का भी अंदाज़ और फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे लगे तो कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर करो ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी पता चल जाए जिनको एक फ़ोन लेना है, हॉनर का ही फ़ोन लेना है, थोड़ा अच्छे पावरफुल फ़ोन लेना है, तो वो शायद उनको ये वीडियो देख के वो हॉनर व्यू 10 को कंसिडर कर सकते हैं। तो उसने शेयर करो ताकि जो बाकी लोग उनको भी पता चल जाए। दोस्तों अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट करो, आपको जवाब गारंटी मिलेंगे उसके, यानी सवाल के जवाब को पक्का मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, अगर आपको ये सब टेक्नोलॉजी पसंद है तो करो टेक्निकल गाइड को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस मिल जाएगी और आने वाले समय में भी आने जो अपकमिंग वीडियो होने वाली वो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो बस अगर आपको इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में तो आपको ज़रूर 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 करना चाहिए ये टेक्निकल गाइड चैनल सब्सक्राइब। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।